हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर वेब में, बराबर है। इससे पहले आप वेब का जो लेक्चर देखे होगे, आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और बेसिकली देखो, कोशिश करोगे तो यार बड़े आराम से हो जाएगा। जो सबसे बड़ी जो क्वालिटी है डॉक्टर और इंजीनियरों की, वो होती है पेशेंस यार। या मैं यूँ कहूँ कि जो बड़े बड़े लोग हैं, उन सब के अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, दैट इज़ पेशेंस। पेशेंस हमेशा मेंटेन करके अपना अच्छे से स्टडी करो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन देखो, ये एक आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से सही बात कौन है, सत्य कौन सा है, सच्ची बात कौन सी है। बोथ लाइट एंड साउंड वेव आर ट्रेवल इन वैक्यूम, बिल्कुल गलत बात। लाइट तो चल सकती है पर साउंड नहीं चल सकती वैक्यूम में, तो गलत बात है। बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, बिल्कुल गलत बात भाई। लाइट वेव तो ट्रांसवर्सल है, तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है, ये गलत है। साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वाइल लाइट वेव आर ट्रांसवर्सल, ये सत्य बात है, ये सही बात तो यही है, ठीक है। बोथ लाइट एंड साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल, गलत बात है। लाइट ट्रांसवर्सल है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब सी ऑप्शन सही है। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट का सोर्स है। इमिट साउंड इन ऑल डायरेक्शन इन नॉन ऑब्जॉर्बिंग मीडियम, द टू पॉइंट्स पी एंड क्यू आर ए डिस्टेंस 2 meter एंड 3 meter रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एंड क्यू। देखना, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ये साउंड का सोर्स है, यहाँ से साउंड इमिट हो रहा है। अब हमारे पास दो सोर्स हैं, एक पॉइंट पी पर है जो कि यहाँ से 2 meter पर है, और एक यहाँ से 3 meter पे है क्यू, बराबर है। तो ये जो रेडियस है वो इस टाइप का सर्कल बनेगा 2 meter का, और इसमें जो सर्कल बनेगा वो 3 meter का बनेगा, बराबर है। यहाँ साउंड इस तरह से ये रिसीव हो रहा। तो इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है, पी पॉइंट की, मैं पी पॉइंट पे इंटेंसिटी डिफाइन करूँ या की पॉइंट पे इंटेंसिटी डिफाइन करूँ, तो इंटेंसिटी जो होती है वो एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी। अब अगर तुम देखोगे, एनर्जी जो पावर होती है वो एनर्जी अपॉन टी होती है, वर्क बाय टी होती है। इसका मतलब ये हुआ पावर ऑफ सोर्स अपॉन एरिया। तो पावर ऑफ सोर्स तो है, एक ही सोर्स है, तो उसका पावर कांस्टेंट है। और एरिया, ये जो सरफेस एरिया है, ये 4πr², ये फार्मूला आप याद रखना, फिजिक्स में बहुत बार काम आएगा। P इज़ द पावर ऑफ द सोर्स और 4πr² वो स्पेरिकल एरिया जिसपे इंटेंसिटी रिसीव हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटेंसिटी है, जो रेडियस है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ गया ये। अब इंटेंसिटी 2 और P एंड Q, P का कितना था बोलो, 2 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि I1/I2 = R2/R1² आ गया। तो R2 कितना था यार, 3/2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 9/4 इंटेंसिटी रेशियो होगा, मतलब सी ऑप्शन सही है, बराबर है। चलो नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, हम लोगों को 2 वेव दे दिया गया और इन दोनों वेव में हमको फेज डिफरेंस निकालना है। जब कभी भी हम फेज डिफरेंस निकालते प्यारे बच्चों, या तो साइन में रहेगा या तो कॉस में रहेगा। यहाँ पर देखो, एक इक्वेशन साइन में दिया है, एक इक्वेशन कॉस में दिया है। तो अब मैं इस कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट कर लूँगा, या साइन वाले को कॉस में कन्वर्ट कर लूँगा, वेयर टी इसमें से कौन सा रेडियन में फेज डिफरेंस। तो पहले वाला ये जो इक्वेशन है उसको मैं y2 को मैं लिख सकता हूँ 10^-6 कॉस में है, तो साइन 100t प्लस x/50 प्लस π/2। तो मैं अगर ऐसे लिख दी, इसमें π/2 ऐड कर दूँ इसमें, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। क्यों? क्योंकि साइन π/2 प्लस थीटा, साइन में कुछ ऐड करोगे थीटा, π/2 प्लस थीटा, तो सेकेंड में चले जाओगे, और सेकेंड में जो साइन होती है
वो पॉजिटिव होती है। तो ये तो कॉस थीटा है, तो पाई बाई टू एड कर दूंगा ये। अब फेज डिफरेंस आप आराम से निकाल दोगे, ये पूरा फेज फाई वन फाई टू मान लेता हूँ, और ये पूरा फेज हमारा इस एक्सप्रेशन का ये फाई वन मान लेता हूँ। फेज मतलब साइन थीटा या कॉस थीटा, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल साइन या कॉस का वो फेज है, आर्गुमेंट ऑफ साइन और कॉस। तो अगर इसमें डिफरेंस करोगे तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू ये 100 टी प्लस एक्स बाई 50 प्लस पाई बाई 2 में माइनस कर दो ये वाला एंगल 100 टी। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप ओरली भी कर सकते हैं एग्जाम में, 50 माइनस 0.5। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो क्या आता है सॉल्व करने के बाद, 100t ने 100t को 50 इसको ख़त्म कर दिया, यह आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0.5। पाई बाई 2 क्या होता है 1.57 माइनस 0.5 जीरो, तो इसका मतलब 1.07 दैट इज इतना रेडियन डेल्टा फाई फेज डिफरेंस होगा, 1.07 दैट इज ए ऑप्शन सही है। इस तरह से हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, कार इज मूविंग टुवर्ड ए हाई क्लिफ। अगर एक कार है जो क्लिफ की साइड जा रही है, दिस इज द क्लिफ, ये एक क्लिफ है पहाड़ है, और इधर एक कार हम लोगों की जा रही है, तो कोई बात नहीं, जाने दो, लोग जा रहे हैं पहाड़ों पे मौज करने जाते हैं, ठीक है, हिमाचल कुल्लू मनाली शिमला, तो ये कार पहाड़ों पे जा रही है। ये ड्राइवर साउंड ए हॉर्न, ड्राइवर एक फ्रीक्वेंसी हॉर्न साउंड जनरेट कर देता है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, एंड रिफ्लेक्टेड साउंड जो है यहाँ से जो साउंड जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, जो साउंड आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 2f है, बराबर है। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, चलो जो साउंड जा रही है आ रही है उसकी वेलोसिटी v है, देन द वेलोसिटी ऑफ द कार, जो कार है उसकी वेलोसिटी मैं निकालता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ कार में ये वेलोसिटी इस टाइम में इसको सोर्स बोल देता हूँ, इस टाइप से भी यह समय निकालना है, भी के टर्म में ही निकालना साउंड की वेलोसिटी। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको दो मेथड बताया हूँ, एक बताया हूँ कि इस कार का यहाँ पे इमेज बना देना है, तो इस कार का अगर मैं यहाँ पे इमेज बना दूँ तो ये एक सोर्स की तरह ट्रीट होता है, ये उस समय ये जो होता है वो ऑब्जर्वर हो जाता है, ये जो होता है ऑब्जर्वर, ऐसा लगेगा ये इमेज बना दिया, ऐसा लगेगा इधर से साउंड आ रही है भी से, बराबर है, ये सोर्स मान लिया, इमेज बना दिया, और ये ऑब्जर्वर हो गया। अब डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, अपना फार्मूला क्या है, एफ डैश इज इक्वल टू भी माइनस भी ओ एंड भी माइनस भी एस और मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। भी क्या है, साउंड की स्पीड, साउंड किधर से आ रही है, इसको मैं सोर्स मान लिया तो साउंड इधर से आ रही है, और इधर मैं पॉजिटिव ले लिया तो पॉजिटिव भी। ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है इसके अपोजिट, तो एक माइनस साइन इधर था, एक माइनस और आएगा तो प्लस हो जाएगा, और उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी ओ ले लेता हूँ, यही तो हमें चाहिए। तो यहाँ से और साउंड की स्पीड भी और सोर्स इधर आ रहा है, तो सोर्स और ऑब्जर्वर की स्पीड सेम है, तो माइनस सोर्स और ऑब्जर्वर की स्पीड सेम है, तो ये माइनस वी ओ और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ, और जो यहाँ फ्रीक्वेंसी रिसीव हुई वो 2f है, जो ये फ्रीक्वेंसी रिसीव करता है उसके बाद वो दिया हुआ यार 2f रिसीव किया, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ था, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी 2। इसको सॉल्व करके भी नॉट की वैल्यू निकालो, वही कार की स्पीड है, तो f ने f को मतलब 2v माइनस 2v नॉट इज इक्वल टू v प्लस v नॉट, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा v अपॉन 3 दैट इज द v नॉट, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द कार, सोर्स आर ऑब्जर्वर, बिकॉज दोनों एक ही है, यही सुनेगा यही जनरेट भी करेगा, तो वी बाई 3 इसका फाइनल सोल्यूशन है। और इसको आप दो स्टेप में भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कई सवाल में, तो आप इसको दो स्टेप में भी कर सकते हो, जैसे मान लो अगर यहाँ से दो स्टेप में करना चाहते हो, तो यहाँ से अगर एक कार जा रही है इसकी स्पीड मान लो भी है, भी डैश है, यहाँ से जो साउंड जनरेट की उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, फर्स्ट स्टेप में ये जो पहाड़ है वो एक ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर रेस्ट में है,
और ये फ्रीक्वेंसी रिसीव किया एफ डैश। सेकेंड स्टेप में ये जो पहाड़ है वो रिफ्लेक्ट करेगा ई को, जो ऑब्जर्वर सुनेगा वो 2f फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट किया, और इस जो रिफ्लेक्ट किया वो f डबल डैश है, दैट इज 2f, बराबर है। एक स्टेप में यहाँ से साउंड गई, ये ऑब्जर्वर हो गया, सेकेंड स्टेप में ये सोर्स हो जाएगा। चलो तो पहले स्टेप में f डैश की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी v, फार्मूला लगा दो v माइनस बी ए और v माइनस बी एस और मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो v साउंड की स्पीड है, अभी मैं इधर से इधर साउंड जा रही है तो v पॉजिटिव ले लिया मैं, और ऑब्जर्वर इस टाइम जीरो है, रेस्ट में है, और v सोर्स की स्पीड, इसको मैं वी एस ले लेता हूँ, वी एस और a मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, मतलब v f और v माइनस बी एस और f डैश, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो रिसीव किया हिले, ये जो पहाड़ है वो रिसीव किया ये वाली फ्रीक्वेंसी। अब सेकंड स्टेप में ये फ्रीक्वेंसी इसको यहाँ से ये बन जाएगा सोर्स, तो सोर्स बन जाएगा, तो सेकंड स्टेप के लिए लगाते हैं, तो f डबल डैश इज इक्वल टू बी माइनस बी ओ और बी माइनस बी एस और a मल्टीप्लाइड बाई f डैश। तो f डैश जो है वो 2v दिया हुआ है, इको के बाद जो ऑब्जर्वर है ये ऑब्जर्वर है, ये 2f दिया हुआ है, और v साउंड की स्पीड, और ऑब्जर्वर इस टाइम इधर जा रहा है, और उसकी जो स्पीड है वो वी एस मैं ले लेता हूँ, क्योंकि वी एस और वी आपस में बराबर है। इस टाइम ये सोर्स हो गया तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, और f डैश हम पहले से निकाल चुके हैं, दैट इज वी एफ एंड डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस, तो वी माइनस वी एस, वी माइनस वी एस को ख़त्म कर दिया, और यहाँ से हमें एक मिनट लगता है कहीं पे मिस्टेक हो गया। तो यहाँ से बी डबल डैश इज इक्वल टू, फिर से एक बार इसको रीचेक करो, तो एफ डैश डबल डैश इज इक्वल टू बी माइनस बी ओ एस, तो ये साउंड की स्पीड इधर आ रही थी, इधर मैंने पॉजिटिव ले लिया, और ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इस टाइम जो है ये प्लस आ जाएगा ना भाई, ऑब्जर्वर यहाँ पे, और जब साउंड इधर से आ रही है तो ऑब्जर्वर ये है और इधर जा रहा है, तो वो ऑब्जर्वर ये प्लस आ जाएगा, दिस इज द प्लस बेसिकली। तो ये हमें फाइनली, तो यहाँ से ये ने इसको काट दिया, इसका मतलब ये हुआ एफ ने एफ को काट दिया, तो टू भी प्लस भी एस, सोर्स और ऑब्जर्वर एक ही है, भी माइनस भी एस, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा टू भी माइनस टू भी एस और इज इक्वल टू भी प्लस भी एस, तो यहाँ से आ जाएगा बी एस सोर्स या ऑब्जर्वर बी बाई थ्री, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। तो आप इन दोनों मेथड से आप कर सकते हो बड़े आराम से। चलो नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो और जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। ये देखो, ये भी डॉपलर इफेक्ट पर ही है, एक ऑब्जर्वर है हम लोगों के पास और मूविंग टुवर्ड ए स्टेशनरी सोर्स। चलो एक ऑब्जर्वर दौड़ रहा है यहाँ पे, एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर इधर दौड़ रहा है और टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स, ये जो साउंड का सोर्स है वो वेलोसिटी ऑफ सोर्स जीरो है, बराबर है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर वो दिया हुआ है 1/6 वेलोसिटी ऑफ साउंड वी बाई फाइव। अगर साउंड की वेलोसिटी वी है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वी बाई फाइव है, और साउंड मैं मान लेता हूँ ये इधर दौड़ रहा और इधर से साउंड आएगा तभी तो सुनाई देगा इसको, और ये वी नॉट इधर आएगा, ये इधर जाएगा और इधर से साउंड आएगा इसके कानों में तो सुनाई देगा। द वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड, ये जो सोर्स है वो लैम्डा नाम की वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी इमिट करता है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ रिकॉर्डेड बाई ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ मिलेगा। आप अगर डॉपलर इफेक्ट बेसिक पढ़े तो आपको पता है कि वेव लेंथ चेंज नहीं होता है, मतलब ये ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता, इसमें वेव लेंथ चेंज हो गया अपेरेंट वेव लेंथ, और इसमें भी वेव लेंथ चेंज हो गया, ये भी कभी सही नहीं हो सकता, मतलब बी ऑप्शन सही है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सॉल्व करने की ज़्यादा इच्छा होती है तो अपनी इच्छा पूरी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इसको मिला एफ डैश इज इक्वल टू फार्मूला अपना बी माइनस बी ओ और बी माइनस बी एस, ओ एस याद रखो यार, ओ एस ये, तो इसको जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिला, साउंड की स्पीड में भी ले लेता हूँ और साउंड इधर से आ रही है
ये सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है वो इसके अपोजिट जा रहा है, तो ये प्लस वी बाई फाइव आ जाएगा एंड वी और वेलोसिटी ऑफ सोर्स जीरो हो गया, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ हो गया, मतलब ये आ जाएगा। फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा देखो, सॉल्व करने के बाद 5 और 6, 6 बाई 5, तो एफ डैश इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 फ्रीक्वेंसी एफ डैश, मतलब 0.125। तो 0.12 एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, दैट इज बी ऑप्शन सही है। समझ में आ गया, आसान था, इसको आसान कैटेगरी के सवाल में रखता हूं मैं। चलो अब बेसिकली हाँ सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व कर रहे हो। एक विस्टल है रिवॉल्विंग इन ए सर्कल विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 20 रेडियन अलोंग ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, मतलब एक साउंड का सोर्स है, उसको मैं रसरी से बांध दिया, स्ट्रिंग से बांध दिया और उसको मैं घुमा दिया सर्कल में, और उसके बाद साउंड का जो सोर्स है वो एक 385 फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से कुछ दूरी पर एक ऑब्जर्वर है, उसको फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ से मैंने एक स्ट्रिंग लिया, उसमें एक साउंड का सोर्स घुमा दिया इस टाइप से। जैसे मान लो अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ये साउंड का सोर्स है, ये साउंड जनरेट करेगा, ये इस तरह से ये ओमेगा से सर्कल में घूम रहा। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, दिस इज द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग हियर, ये ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वर को मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी उसकी कैलकुलेशन हमें करना है। अब आपको ये बात पता होगा अगर कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब मिलती है, अपना जो फार्मूला है क्या भैया, इसको जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी एफ डैश बी माइनस बी ओ और बी माइनस बी एस और मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला तो रट के याद करके याद कर ही लेना है। अभी ऑब्जर्वर रेस्ट है तो ऑब्जर्वर की जो स्पीड है वो जीरो चली गई, सोर्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब देखो जब सर्कल में मूव कर रहा है सोर्स तो इसको एक बार मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी और एक बार मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी, वो कब मिलेगी वो एक बार देख लेते हैं हम लोग कब मिल रही है। चलो तो यहाँ पर जब ये ऑब्जर्वर, समझना इसको, जब टेंजेंशियली जब यहाँ पर ऐसे जब ये जो सोर्स है वो यहाँ आएगा, उस वक्त इस सोर्स की जो लीनियर वेलोसिटी है वो इधर है, साउंड की जो सोर्स है, जो साउंड आएगा, जो इसकी जो सोर्स की वेलोसिटी अलग है, समझना सोर्स की वेलोसिटी अलग है, इधर है वी एस और जो साउंड है उसको तो ऐसे ही आएगी, जो साउंड की वेलोसिटी भी है उसको कान में ऐसे ही आएगी। तो इस वक्त जो सोर्स की वेलोसिटी है इधर है और ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है और साउंड इसको ऐसे ही जाएगी, तो इस वक्त इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी पॉइंट ए पर जब सोर्स रहेगा। फिर जब इसको कभी यहाँ सोर्स आएगा उस वक्त जो सोर्स की वेलोसिटी है वो इसके टेंजेंशियली कुछ ऐसी, साउंड तो ऐसे ही जाएगी लेकिन इस वक्त जो सोर्स की वेलोसिटी है वो भी इधर ही है टेंजेंशियली, तो इस सिचुएशन में इसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी जब ये इस पॉइंट पर रहेगा, टेंजेंशियली इसके कानों में ऐसे जाएगा, और इस केस में यहाँ पर इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिली। हमसे क्या पूछा गया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या लगाएंगे इस वाले ए वाले कंडीशन को अप्लाई करेंगे। चलो अप्लाई कर देते हैं, इसी में वैल्यू डाल देते हैं, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड एफ डैश कितना होगा भैया, साउंड की स्पीड वी डैश लीनियर है तो इधर लीनियर है, तो इधर मैं पॉजिटिव ले लिया हूँ भी, ऑब्जर्वर की स्पीड, ऑब्जर्वर ये है जो कि आदमी खड़ा है कहीं नहीं जा रहा है, जीरो, और साउंड की स्पीड भी, और सोर्स की स्पीड मिनिमम के केस में सोर्स की स्पीड इधर है टेंजेंशियली और जो कि साउंड के अपोजिट है, साउंड इधर जा रही है और इधर मैं पॉजिटिव ले लिया हूँ और सोर्स किधर है, तो ये माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा, प्लस बी एस और मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ, दिस इज द फाइनल फार्मूला, एफ डैश इज इक्वल टू वी एफ अपन वी प्लस बी एस। अब इसमें वैल्यू डाल दो और यही एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। चलो तो वैल्यू डाल के इसको कैलकुलेट करो, तो अब वैल्यू सबसे पहले साउंड की जो सोर्स की स्पीड ही नहीं पता क्योंकि ओमेगा दिया है, तो लीनियर स्पीड मैं निकाल सकता हूँ, तो लीनियर स्पीड क्या होती है, वी इज इक्वल टू होती है वी एस, सोर्स की आ जाएगी ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन है
और रेडियस जो है लेंथ, रेडियस इस सर्कल का रेडियस 50 है, सेंटीमीटर में है 10^-2, तो 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया तो 50 सेंटीमीटर है। ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू 20 है बेटा, 20 तो 2 तो ये 10 रेडियन 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ द सोर्स की लीनियर स्पीड है। तो चलो वैल्यू डालो, तो 10 साउंड की स्पीड कितनी लेनी है, इसमें दिया होगा 340 मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये दिया होगा 385 एंड डिवाइडेड बाई 340 प्लस 10। तो फाइनली जब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आ जाएगा 374 हर्ट्स आ जाएगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस दैट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 374 हर्ट्स आ जाएगा। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। समझ में आ गया? देखो ये एक्चुअली हमें क्या करना, यही फार्मूला याद करना जब तक मीडियम नहीं चलता है, तो मीडियम चलता है तो इसमें कुछ और ऐड हो जाता है, अभी मीडियम रेस्ट है तो एक ही फार्मूला वन डायमेंशन टू डायमेंशन के लिए लगाना है और एक लाइन में लगाना है 1D में इसको। चलो ये वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर एक वेव है तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है और उसकी एम्पलीट्यूड वेलोसिटी वेव लेंथ ये सारा दिया हुआ है, तो कोरस्पोंडिंग एक्सप्रेशन मतलब उसका हमें इक्वेशन निकालना। तो जनरल इक्वेशन वेव का क्या होता है, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। इस इक्वेशन को इस रिक्वायरमेंट के फॉर्म में आएंगे, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये इक्वेशन अलग दिख रहा है और ये इक्वेशन अलग दिए, इसको इसके जैसा दिखाओ, तो इसको ऐसे जैसा दिखाएंगे ए साइन ओमेगा इज इक्वल टू 2π फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई टी, के की वैल्यू 2π लैम्डा और एक्स बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए साइन 2π यहाँ से कॉमन ले लोगे तो फ्रीक्वेंसी ft माइनस एक्स अपॉन लैम्डा ये अब इसके जैसा दिखने लगा। और आपको पता है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो ये इक्वेशन कभी भी किसी भी कंडीशन में सही नहीं हो सकता, ये जो है वो निगेटिव एक्स एक्सिस में वेव जा रही है, ये भी निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, मतलब या तो ये वाली सही है या तो ये वाली सही है, और ये कभी सही नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ देखो 2π है, 2π लगा हुआ और यहाँ एक 2 उड़ा दिया है, तो 2 उड़ा दिया तो ये भी सही नहीं है, ये ही सही है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा ज़्यादा इच्छा होती है सॉल्व करने की तो सॉल्व कर ही लेते हैं। चलो तो एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसका इस ओमेगा, चलो हाँ वेलोसिटी दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया, तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, तो वेलोसिटी कितनी है 360 और लैम्डा कितना है 60, तो 0 ने 0 को और ये 6, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 6 हर्ट्ज बराबर है। लैम्डा, तो लैम्डा आपको 60 दिया हुआ है तो वैल्यू डाल दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का देखो सी ऑप्शन सही है, ठीक है 1/λ की वैल्यू आ जाएगी 1/60, तो ये सारी वैल्यू उठा के डालोगे तो अपना सी ऑप्शन सही है, फ्रीक्वेंसी 6 है। और ये क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ 2 उड़ा दिया है। चलो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश। इक्वेशन ऑफ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्सप्रेशन वेलोसिटी ऑफ वेव। अब मैं आपको एक ट्रिक बताया हूँ कि वेलोसिटी क्विक, बहुत ही जल्दी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, अपनी जो ट्रिक हम लोग सीख के आए थे, आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो, उससे तुम कर लेना, मैं जो ट्रिक था उसे आसानी से कर सकता हूँ। तो वेलोसिटी निकालने का कोफिशियंट ऑफ टी, कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ टी कितना है 100 और कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना है 1/10, तो 10 ऊपर गया मतलब 1000 मीटर सही है। तो एक लाइन में आसानी से स्पीड निकाल सकते हैं। वेव किधर जा रही है, ये निगेटिव आ जाएगा क्योंकि 1/10 माइनस 1/10 है, क्योंकि वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पल्स जा रही है। चलो ए वेव हैविंग इक्वेशन, एक वेव की इक्वेशन दिया गया x1 इज इक्वल टू ए साइन और x2 इज इक्वल टू इतना है, मतलब 2 वेव्स है हम लोग के पास, एक ये वाली है और एक ए वाली है। अब इन दोनों का मिलन हुआ, सुपर इम्पोज हुए, इधर रिजल्टेंट वेव
तो जो नई वेव बनी, इन दोनों को मिलाया गया, तो जो नई वेव बनी उसकी फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द सुपर इम्पोजिंग वेव। मतलब जो नई वेव बनी उसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड इन दोनों के इक्वल है। द फेज डिफरेंस निकालना है। अब फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे? जब दो वेव मिलती हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला आपको याद होगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है वो एम्पलीट्यूड ए वन स्क्वायर प्लस एम्पलीट्यूड ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू फेज डिफरेंस कॉस फाई के इक्वल है अंडर रूट। ये क्या है? जब दो वेव्स ऊपर इम्पोज किए उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल के इक्वल है। इंडिविजुअल का एम्पलीट्यूड कितना है? देखो दोनों का एम्पलीट्यूड ए वन और ए टू आपस में बराबर है और वो है ए, और रिजल्टेंट भी ए है, तो क्या फाई नहीं निकाला जा सकता है? बड़े आराम से निकाला जा सकता है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों साइड स्क्वायर कर दो, आर की वैल्यू ए है, ए स्क्वायर, और इधर आ जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस फाई, यहाँ से फाई निकाल लो। तो ए स्क्वायर ने ए स्क्वायर को ख़त्म कर दिया, तो यहाँ से टू कॉमन ले लो, तो वन बाई टू इज इक्वल टू वन प्लस कॉस फाई, बच गया ए स्क्वायर खत्म हो गया। और कॉस फाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वन बाई टू माइनस वन, मतलब माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू मतलब होता है कॉस 120 डिग्री। तो कॉस 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 120 पाई अपॉन 180, तो पाई जीरो ने जीरो को, और ये 3/2/3, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस फाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 cos, है ना, ए cos 3π/2 cos 120 को मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो फेज डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा पाई वो 3π/2 आ जाएगा। दिस इज द फेज डिफरेंस, हाँ 3π/2 2π, एक मिनट, यहाँ हल्का सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 120 को, तो 120 को कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 3 मतलब 2π/3, तो जो फेज डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा पाई वो कॉस फाई एंड कॉस 120 मतलब 2π/3, तो फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू दैट इज 2π/3। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, बी ऑप्शन सही है। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। इफ द टेंशन एंड डायमीटर ऑफ ए सोनोमीटर वायर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन इज डबल, अब देखो टेंशन भी डबल कर दिए, डायमीटर भी डबल कर दिए, और फ्रीक्वेंसी एन इज डबल, फ्रीक्वेंसी एन है और हमने डबल कर दिया, डेंसिटी हाफ कर दिए, जो वायर है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अब कितना होगा? अब आप सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, उसमें एक इस टाइप का वायर होता है, इस वायर की जो मान लो ये मतलब वायर है, इसकी अपनी जो फ्रीक्वेंसी है जनरल फ्रीक्वेंसी एन भी अपॉन 2L के इक्वल होता है, ये आप पढ़ के आए होंगे। तो ये एन 2L अपॉन T/μ के अंडर रूट के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है, एन की वैल्यू 1 ले लो फंडामेंटल के लिए, कर लो 1/2L और T/μ। अब यहाँ से जो म्यू है, आपको पता है कि हमें डेंसिटी वगैरह के टर्म में लिखना पड़ेगा, म्यू जो है वो मास ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ है, मास ऑफ वायर क्या होता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ वायर और लेंथ। वॉल्यूम क्या होती है? वायर एक रॉड की तरह एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, तो वॉल्यूम एरिया क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई एल डेंसिटी रो, और एल ने एल को ख़त्म कर दिया तो एरिया ए रो के इक्वल आ गया। एरिया डायमीटर में बात कर रहा है तो एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और डायमीटर रो, ये हमें म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इस वायर की म्यू इतनी आ गई तो जो फ्रीक्वेंसी है उसको अगर मैं लिखूं, फ्रीक्वेंसी एन दिया है फंडामेंटल 1/2L और टेंशन T/μ पाई आर स्क्वायर रो अंडर रूट। दिस इज द रो, याद रखना डेंसिटी है, ये फार्मूला जो हमें यूज होगा। पहले कंडीशन में ऐसे ही रहने देते हैं,
फर्स्ट जब वायर में चेंजिंग नहीं आया था वायर में, तो पहले वाले कंडीशन ये है। अब वायर में चेंजिंग करो, टेंशन क्या 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 किया किए हो, टेंशन एंड डायमीटर ऑफ वायर फ्रीक्वेंसी डबल, टेंशन डबल हो गया तो टेंशन टी डैश इज इक्वल टू 2t हो गया, डायमीटर डी डैश इज इक्वल टू 2d हो गया, तो रेडियस आर डैश इज इक्वल टू 2r हो गया। भाई डायमीटर डबल करोगे तो रेडियस भी तो डबल हो जाएगा। डेंसिटी रो डैश इज इक्वल टू रो बाई हाफ हो गया, बराबर है, यही तो सब कर रहे हैं। डबल डेंसिटी हाफ हो गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो कितनी हो गई, मान लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ डैश हो गई होगी, तो 1/2l, लेंथ तो वही रहा, लेंथ में चेंजिंग नहीं आया है, डायमीटर, टेंशन 2t पाई आर डैश का स्क्वायर, मतलब 4r स्क्वायर, डेंसिटी रो, और ये हाफ ऊपर चला गया, मतलब ये 4 खत्म हो गया, मतलब 1/2l टेंशन टी पाई आर स्क्वायर रो, ये नई फ्रीक्वेंसी एम डैश आए जो कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ के इक्वल है, मतलब देर इज नो चेंज इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो एन के इक्वल है, बराबर है। चलो अब ये कहता है इक्वेशन ऑफ टू वेव्स एक्टिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोल देते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेता हूँ मैं, ये एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस के अलोंग दो वेव्स है, एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पर दिया हुआ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल, ये दिया हुआ है, डेल की वैल्यू दी हुई है अल्फा प्लस पाई बाई टू, तो अल्फा प्लस पाई बाई टू ये लिख सकता हूँ कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस पाई बाई टू। अब आपको याद होगा कि कॉस थीटा प्लस पाई बाई टू क्या होगा, कॉस थीटा पाई बाई टू माइनस ए साइन, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, दिस इज द इक्वेशन एक्स, थोड़ा ढंग से लिख लिए। और y एक्सिस के लॉन्ग जो वेव है वो ये है, तो y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा के इक्वल है, इन दोनों का सुपर इम्पोजिशन हुआ, ये दो वेव है जो सुपर इम्पोजिशन, द रिजल्टिंग वेव, जो रिजल्टिंग वेव है द रिजल्टिंग वेव वो उसका इक्वेशन किस टाइप, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा। तो अब देखो इस टाइप के जो है निकालने के लिए ये सर्कल इलिप्स स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट्स को रिलेट कर दो, तो एक्स एंड वाई को रिलेट कर दूँ, कैसे रिलेट कर दूँ भैया, जबरदस्ती तो करोगे नहीं, स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 मिल जाएगा ए स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो जो नई वेव है उस वो जो है इक्वेशन ऑफ टू वेव परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सुपर इम्पोज हुए, तो नई वेव का जो इक्वेशन है वो एक सर्कल है, बी ऑप्शन सही है। चलो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार आया यार, इसको तो तुम बड़े आराम से कर सकते हो, कम से कम यार 3-4 आ चुका है। स्ट्रिंग इज कट इन टू 3 parts, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n1 एन n2, ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n आर रिलेटेड। अब अगर एक स्ट्रिंग है उसको मैं 3 parts में काट देता हूँ, ये एक स्ट्रिंग है उसके बेसिकली मैंने 3 parts कर दिए, चलो एक्चुअल लेंथ कितना था l था, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी थी n थी, अगर मैं इनके 3 pieces कर दिए तो ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, फ्रीक्वेंसी N1 है, N2 है, N3 है। हम सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फंडामेंटल में 2LT/μ अंडर रूट ये होता है, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और जो एक्चुअल लेंथ है वो L1 प्लस L2 प्लस L3 के सम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1/N इज इक्वल टू 1/N1 प्लस 1/N2 प्लस 1/N3 के इक्वल होगा, दिस इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वायर एंड पीसेस, मतलब ए ऑप्शन सही है। वीडियो पॉज करो प्यारे बच्चों और सॉल्व करने की कोशिश करो। कहता है 2 स्टेशनरी सोर्स हैं, साउंड के एक नहीं 2 सोर्स हैं,
तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सोर्स मैं यहां मान लेता हूं साउंड का S1, चलो, और एक सोर्स में साउंड का यहां मान लेता हूं S2। तो जो वेलोसिटी ऑफ S2 है वो जीरो है और वेलोसिटी ऑफ सोर्स S1 है वो भी जीरो है, बराबर है। साउंड जनरेट कर रहे हैं दो सोर्स हैं। अब कहता है ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर घूम रहा है, वॉकिंग कर रहा है फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, तो पहले से दूसरे की साइड जा रहा है। चलो ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर पहले से दूसरे की साइड जा रहा, मतलब ये ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, उसकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी। द नंबर ऑफ बीट्स हियर, अब ये ऑब्जर्वर जब इधर से जाएगा सोर्स S1 से S2 की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको कितना बीट्स मिलेगा, क्या होगा जब ये दो साउंड डाउन सोर्स के बीच मूव करेगा। तो जब दो साउंड के सोर्स के बीच मूव करेगा तो इसको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी S1 की भी मिलेगी, इसको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी S2 को मिलेगी, कुल मिला के इसको एक फ्रीक्वेंसी डिफरेंस मिलेगा और स्लाइटली फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को बीट्स बोलते हैं। इसको हाई एंड लो इंटेंसिटी सुनाई देगी बीट्स, स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी। तो वो पूछ रहा वही कितने बीट से सुनेगा, बराबर, सुपर इम्पोजिशन सुनेगा भाई। तो चलो डॉपलर इफेक्ट लगाते हैं दो केस के लिए, पहले के लिए लगाते हैं सोर्स S1 और ऑब्जर्वर के लिए, दूसरे के सोर्स S2 और ऑब्जर्वर के लिए लगाते हैं और दोनों का अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकाल के माइनस कर देते हैं तो बीट्स मिल जाएगा। चलो मान लो सोर्स S1 के लिए, फॉर सोर्स S1, तो S1 के लिए अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इसको F1 मिला, फार्मूला क्या है, बी माइनस बी ओ बी माइनस बी एस और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब ये कहता है कि टू स्टेनिजो इमिट साउंड वेव्स वेवलेंथ लैम्डा, ऑब्जर्वर फ्रॉम दोनों की जो है वेवलेंथ लैम्डा है तो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, ऑब्जर्वर मूविंग ऑब्जर्वर की स्पीड यू दिया हुआ। चलो तो यहां मैं साउंड, अभी जब ऑब्जर्वर इस साउंड से इससे दूर जा रहा है तो साउंड इसको इधर से पीछे से आते हुए इसके कानों में जाएगी सुनाई देगी, तो साउंड की स्पीड इधर, और इधर मैं पॉजिटिव ले लेता हूं तो पॉजिटिव वी, और ऑब्जर्वर उधर ही जा रहा तो इसकी स्पीड यू वी, और सोर्स आ गया जीरो, अब इसको फ्रीक्वेंसी एफ, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ डैश, मतलब पहला जो एक्सप्रेशन आ गया एफ डैश पहले सोर्स की वजह से वी माइनस यू और मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई वी और एफ, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डी टू सोर्स फर्स्ट। सोर्स टू की बात करो, जब ये ऑब्जर्वर सोर्स टू की साइड जाएगा तो यही फार्मूला हम लगा देते हैं। अब साउंड जो है इसको सामने से आएगी सोर्स, इस सोर्स की, तो जा इधर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी वजह से इस सोर्स की वजह से इसको फ्रीक्वेंसी मान लो एफ टू मिला, तो यही फार्मूला लगाओ, साउंड का पॉजिटिव इधर मैं पॉजिटिव ले लिया हूँ, ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वर इसके अपोजिट जा रहा निगेटिव और एक निगेटिव यहाँ से, तो ये प्लस यू और वी और ये जीरो चला गया, एस टू जीरो चला गया और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। ये दोनों अलग अलग सोर्स की वजह से इसको फ्रीक्वेंसी मिलेगा, इसका एफ वन इसका एफ टू, ये बीट्स, बीट्स क्या होता है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। चलो स्लाइटली डिफरेंस, तो इन दोनों में डिफरेंस एफ वन माइनस एफ टू बीट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि v माइनस u f अपान v माइनस v प्लस u f अपान v। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉमन ले लो यहाँ से, f y v कॉमन है तो ब्रैकेट में बचा v माइनस u माइनस u माइनस माइनस ये भी है तो माइनस v और माइनस u, तो माइनस बी ने माइनस बी को ख़त्म कर दिया, और बिट्स निकालना है तो मॉड ले लो तो निगेटिव साइन इग्नोर कर दो, तो टू टू यू एफ अपान बी, दिस इज द, लेकिन ये जो सोल्यूशन है वो लैम्डा दिया वेवलेंथ में दिया है, तो वेवलेंथ में दिया है तो स्पीड को मैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बराबर लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ साउंड की स्पीड टू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और लैम्डा के टर्म में लिख दोगे तो यह जाएगा 2u अपन लैम्डा, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन 2u अपन लैम्डा, तो 2u अपन लैम्डा मतलब ए ऑप्शन सही है, बराबर है।
तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने बहुत सारे क्वेश्चन वेब में सॉल्व किए, और आप और भी क्वेश्चन करो और भी प्रैक्टिस करो। आई होप कि आपको ये बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो कई बार पॉज करो, देखो, रिवर्स करो, सिमिलर क्वेश्चन देखो जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।